झारखंड स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद पहुंचे हैं। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जिला समाहरणालय सभागार में 20 सूत्री बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में 20 सूत्री बैठक की बैठक शुरू किया गया है। बैठक में सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, ढुलू महतो, पूर्णिमा नीरज सिंह, जिप अध्यक्ष शारदा सिंह, जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह सहित डीसी वरुण रंजन, डीडीसी शशि प्रकाश सिंह, एसडीएम पीके तिवारी मौजूद है। देखिए आज हमारे जिला 20 सूत्री कार्यक्रम समिति की बैठक हुई, जिसमें हमारे 20 सूत्री के उपाध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र बाबू, धनबाद के माननीय सांसद पशुपति सिंह जी, पीएन सिंह साहब, हमारी झरिया की माननीय विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जी, हमारे धनबाद के विधायक राज सिंह जी, राज सिन्हा जी, माननीय डुलू महतो जी, जिला परिषद की हमारी अध्यक्ष और उपायुक्त और सारे अधिकारियों के साथ बड़े गंभीरता पूर्वक जिले के विकास के संबंध में कई विषय पर गंभीरता पूर्वक चिंतन हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अच्छे आउटपुट निकलेंगे। जैसे गया पुल का मामला है, उसमें हम टेंडर में गए हैं, उसको जैसे और जल्दी उसकी प्रक्रिया करें, सड़कों को कैसे बढ़िया चौड़ीकरण करें, कुछ मामले नगर निगम से पुरानी जर्जर सड़कों का है, उन सड़कों को कैसे दुरुस्त करें, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे गड़बड़ाई हुई हैं उसमें कैसे सुधार करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के भी विषय थे, तो हर विषय पर गंभीरतापूर्वक बात हुई है। इसके अच्छे आउटकम निकलेंगे और मैं आप लोगों को बहुत डुमरी की जीत, झारखंड के इस सरकार की विश्वसनीयता की जीत है और इस सरकार ने जो जनता से वादे किए हैं उन वादों पर जनता ने 135,000 से ज़्यादा वोट देकर उन वादों पर मोहर लगा दिया है और जिस तरीके से इस सरकार को अपदस्थ करने की जो साजिशें हैं, नाकाम साजिशें हैं, उन साजिशों के खिलाफ जनता ने मुखर होकर विरोध कर दिया है, ये बात भी समझनी चाहिए। मंत्री जी, पिछले दिनों सचिवालय आए थे, उन्होंने कहा कि इंडिया और एनडीए में एक तरफ जहां युद्ध चल रहा है, वहीं जमशेदपुर में इंडिया और एनडीए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। रघुवर सरकार का उन्होंने कहा है, आपके संबंध के बारे में कहा है कि वो लोग अंदर ही अंदर अपना संबंध मजबूत संबंध है। अरे भाई, राज सिन्हा साहब भी तो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप हैं पीएन सिंह साहब, तो क्या भाजपा और कांग्रेस क्या मल्लयुद्ध थोड़ी करेगा? विचारों का मतांतर होता है लोकतंत्र में और लोकतंत्र की ये परिभाषा होती है कि विचारों में मतांतर हो सकता है लेकिन मन में विद्वेष नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हम एक दूसरे के साथ वैचारिक रूप से विरोध कर सकते हैं, व्यक्तिगत राग द्वेष कहाँ है? तो आपस में तो प्रेम है ही, हम लोग दो वकील जाके जिरह करते हैं, बाद में बैठ के चाय पीते हैं, तो ये क्या खराब परंपरा है? तो हम तो चाहते हैं ऐसा ही स्वस्थ लोकतंत्र हो जिसमें विचारों का मतांतर हो लेकिन विद्वेष नहीं हो, प्रेम हो, सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति इज्जत हो, तो ये कहाँ खराब है? अभी हम जीते हैं, देखिए कितना, 135,000 वोट दिया ना जी, ओबीसी साहब को लाया था, वहाँ तो अमर अकबर एंथोनी तीनों लड़ा ना, अमर भाजपा, अकबर एंथोनी, सुदेश भाई और हमारा जो है ओबीसी साहब। हमने बोला था कि ये जो पतंग आई है, ये पतंग आई है, ये लोग लाया है पतंग ये हमारा पतंग काटने के लिए, लेकिन ये लोग वो पतंग को अपना बंडवल हवा में लपेटा मार रहा था लेकिन इनका भी उड़ गया हाथ तड़ से, देखे ना। शुरुआती रुझान तो चिकित्सीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मैन पावर की कमी है, जैसा बिल्कुल बताया, चिकित्सकों की कमी है, तो उसको कैसे दूर करें? मैंने अभी माननीय उपायुक्त धनबाद को निर्देशित किया है कि DMFT के फंड से भी अनुबंध में चिकित्सकों को लिया जाए और हमने 856 चिकित्सकों को लेने के लिए JPSC में अधियाचना दी हुई है। हम लगातार इस बात के लिए भी दृढ़ संकल्पित हैं
कि हमारे पीजी के जो स्टूडेंट हैं वो फैकल्टी की कमी के कारण पीजी के स्टूडेंट नहीं हो पा रहे हैं, चूँकि एक प्रोफेसर दो ही पीजी के स्टूडेंट के लिए अधिकृत है। तो हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया साहब से भी कहा कि इसको दूर करने के लिए एक प्रोफेसर को कम से कम 5 पीजी स्टूडेंट के लिए अधिकृत करना चाहिए, तब जाकर हमारा पीजी का भी जो है डॉक्टर मिलेगा। आयुष्मान योजना में ईडी की धमक हो गई है और सरयू राय ने आरोप भी लगाया है कि उसमें मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल है, क्या कहेंगे? अब देखिए, ऐसा है, मैं किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करता। अब यदि ईडी ने आयुष्मान पर जांच के लिए कहा है तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, चूँकि आयुष्मान भारत सरकार की संस्था है और सीधे सीधे भारत सरकार उसमें सारी चीज़ों का निरीक्षण करती है। तो इसमें हमारा जो है स्वास्थ्य विभाग कहाँ पर इसमें है, इसमें हम कहाँ हैं? लेकिन यदि अब किसी को कोई फोबिया हो जाए और उठते बैठते ही यदि बन्ना गुप्ता कोई करने लगे तो इसके लिए मैं दोषी ना हूँ। यदि कोई जो है ये कहने लगे कि नहीं साहब शेर नहीं है वो सियाल है, तो उसकी सोच हो सकती है, हमारी सोच तो नहीं ना होगी। SDRF का क्या पोजीशन है परमंडल स्तर पर बनाने? देखिए, SDRF हमने NDRF से SDRF को ट्रेंड किया है और SDRF के माध्यम से अभी चारों प्रमंडल में हम लोग SDRF को डिप्टेशन कर रहे हैं और इनको हमने अभी हमारी बैठक हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से, हमने उनसे भी निवेदन किया कि आप जो है आपदा मित्र जो हैं वो आपदा मित्र ज़्यादा से ज़्यादा बनवा दीजिए हमारे राज्य में, ताकि वो जो हमारा गरीब का बच्चा है, हमारे गरीब के बच्चे को रात को 8 बजे बोल दीजिए कि ए बाबू ढूक ढूक टुको बार को रहे थे, एक लोग ढूके थे, वो बाहर कर देता है, ना उसके पास मास्क होता है, ना ऑक्सीजन होता है, ना पतवार होती है, ना लाइट होता है, वो घुस के निकाल देता है। लेकिन यदि हम ट्रेंड आदमी को भी बोलते हैं 8 बजे बोल दीजिए कि ए बाबू ढूक ढूक टुको बार को रहे थे, एक लोग ढूके थे, वो बाहर कर देता है, ना उसके पास मास्क होता है, ना ऑक्सीजन होता है, ना पतवार होती है, ना लाइट होता है, वो घुस के निकाल देता है। लेकिन यदि हम ट्रेंड आदमी को भी बोलते हैं कि थोड़ा सा भैया रात को 8 बजे घुस के पानी में आदमी डूब गया निकाल दो, तो वो बोलता है कि साहब सुबह सूरज निकलने दीजिए, रोशनी होने दीजिए। तो हमने कहा कि जो बच्चे हमारे जल कीड़ा करते हैं, उसी में खेलते हैं, बड़े होते हैं, वो बहुत इसके लिए मैच्योर्ड हैं और उनको यदि हम आपदा मित्र बनाकर यदि उनका हम लाभ लेंगे तो हमारे जो दुर्घटनाएँ होती हैं, कैजुअल्टी होती है, वो भी रुकेंगी। और हम लोग कई तरीके से अपने भी विवेचना कर रहे हैं। धनबाद में इसका मुख्यालय खोलने का प्लान है क्या? मैंने उस विषय में भी कहा है कि धनबाद में मैंने अभी भारत सरकार से ये भी कहा कि आपने 10-11 चीज़ को उन्होंने नोटिफाई किया है, जैसे कि उन्होंने लिख दिया चक्रवात, आग, तो आग को नोटिफाई नहीं किया कि आग जो है वो प्राकृतिक जनित आग है कि मानव जनित आग है। तो हमने कहा कि भाई SDRF का जो पैसा आप देते हैं वो पैसा आप देते हैं, लेकिन उस पैसा में आपने इतना उसमें ये लगा दिया है, बंधन लगा दिया है कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा हमारे यूज का नहीं हो रहा है। तो हमारे राज्य ने जो आपदा का जो सूची बनाया उस आपदा की सूची को आप टाइप कर लो उसमें, और नहीं तो हमको कम से कम 50% जो पैसा आ रहा है 75-25 का, वो पैसा का 50% का हमको जो है कैपिंग हटा दो, हम उसका यूज करेंगे। तो हमने कई तरीके से सुझाव दिया है, चूँकि हमारा झारखंड जो है जल जंगल जमीन पर आधारित है, और चूँकि आप जानते हैं कई लोगों ने वहाँ कहा कि साहब हाँ वज्रपात रोकने का उपाय होना चाहिए, तो हमने कहा कि जब वज्रपात ही रोक दीजिएगा तो ज़मीन के अंदर जो ऑक्सीजन के पार्टिकल हैं या पानी के अंदर जो ऑक्सीजन के पार्टिकल हैं वही वज्रपात से नाइट्रोजन में तब्दील होते हैं, तब ज़मीन उर्वरा हो जाती है। तो वज्रपात को रोकना नहीं, वज्रपात से बचाव के लिए हमको लोगों में अवेयरनेस लाना होगा। सांसद महोदय जमीन की मांग किया एयरपोर्ट के लिए। देखिए, सांसद महोदय तो इतने पुराने, इतने अनुभवी आदमी हैं, उनकी सरकार है, वो तो चाहते तो बहुत पहले हो जाता, लेकिन अभी भी गार्जियन है, बोले हैं तो हम लोग विचार करेंगे। पत्रकारों का बीमा योजना लंबी था अप्रैल से, कुछ हुआ नहीं उसमें, पैसे भी लोगों के जमा होगा होगा पत्रकार लोग के लिए, तो हम पूछो करेंगे पुलिस और पत्रकार के लिए।